सो गाइस आपको जल्दी Vivo की तरफ से न्यू स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है जो कि Vivo V17 का सक्सेसर होगा, यानी कि आपको Vivo V19 इंडिया में काफी जल्द लॉन्च किया जाएगा। और ये स्मार्टफोन आपको कुछ टाइम पहले ही इंडोनेशिया में इसी महीने लॉन्च किया गया, और यह स्मार्टफोन आपको इंडोनेशिया से बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यह स्मार्टफोन आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, और आपको बैक साइड में एल शेप में ही क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जो कि आपको Vivo V17 में ही देखने को मिला था। और आपको इंडोनेशिया में स्नैपड्रैगन 675 का एसओसी देखने को मिला, बट आपको इंडिया में स्नैपड्रैगन 712 का एसओसी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर में काफ़ी अपग्रेड किया गया है, और यह स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन मार्केट में ही देखने को मिलेगा। कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगा और क्या इसका प्राइस हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पे आपको ग्लास पैनल का बैक दिया जाएगा जिसमें आपको ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, और आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। साथ ही बात करें इसके डिस्प्ले को लेकर, तो आपको 6.44 इंच का फुल एच डी प्लस सुपर एमोल डिस्प्ले दिया जाएगा जिसमें आपको डुअल पंच होल कॉर्ड भी देखने को मिलता है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 20:9 का होगा, और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट होगा। तो गाइस जब बात करें इसके कैमरा को लेकर, तो आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया जाएगा जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, और आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया जाएगा। और वहीं आपको फ्रंट में डुअल पंच होल डिस्प्ले के अंदर ही 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस भी दिया जाएगा। साथ ही आपको कैमरा में सुपर नाइट सेल्फी मोड और आपको HDR का सपोर्ट, यानी कि आपको हाई डायनेमिक रेंज का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और आपको कैमरा में EIS और OIS का भी सपोर्ट मिल सकता है। वहीं बात करें इसके बैटरी को लेकर, तो आपको 4500 mAh तक का बिग बैटरी का सपोर्ट दिया जाएगा, और ख़ास बात यह है कि आपको 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, और आपको USB टाइप सी का पोर्ट, साथ ही आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैटरी काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। वहीं बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो आपको स्नैपड्रैगन 712 SoC देखने को मिलेगा जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको 2.3 GHz देखने को मिल जाता है, और ये चिपसेट आपको 10 nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। साथ ही आपको गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो की तरफ से 616 का GPU का यूज़ किया गया है जिससे आप काफ़ी बेटर गेमिंग इंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई भी लैंग या हैंगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड जो कि फंटस OS पर रन करेगा। वहीं बात करें इसके स्टोरेज को लेकर, तो यह स्मार्टफोन आपको 2 RAM वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है जिसका बेस वेरिएंट आपको 8GB+128GB और 8GB+256GB के साथ इंडिया में लॉन्च होगा। तो गाइस फाइनली बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट को लेकर, तो यह स्मार्टफोन आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस आपको करीब 25 के अप्रॉक्स होगा, यानी कि यह स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस हो सकता है, बट आपको Vivo V17 से थोड़ा बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है खासकर प्रोसेसर के मामला में। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।